क्या हुआ? हाँ क्या दूँ? ये दूँ? खिचड़ी क्या उठाओ अभी खिचड़ी ये उठाओ। अच्छा रात का टाइम है और अभी है ना हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने और है ना फादिया भी हमारे साथ जा रही है। तो इनकी बात वही खिलौने पे है, कपड़े है ना हमने ले लिए हैं जल्दी जल्दी। मैंने है ना आज 10 मिनट भी नहीं लगाया और मैंने बच्चों के कपड़े ले लिए, इतने आज तेज़ी दिखाई है ना मैंने पहली बार। तो अभी है ना बाबर गए कुछ सामान लेने, तो ये दोनों है ना कहते हैं टांगे थक गई है, मैंने कहा बैठ जाओ। तो है ना इसको पता नहीं अब क्या है, क्या लेना है फादिया आपने? खिलौना। और इसने ये नहीं लिया, कहती मुझे अच्छा नहीं लगता, देख ले नखरे वाली है हमारी बच्ची। अच्छा तो अभी यहाँ से हम लोग है ना ले रहे, हाँ दुआ करो अल्लाह बेटी दे फिर ये वाले लेंगे, ठीक है? हाँ मेरी बेटी को ये फिर फादिया लेके देगी है ना, ये अपना गुल्लक तोड़ के, और बहुत प्यारे हैं ये वाले, बहुत प्यारे। हाँ कितने प्यारे हैं दो फादिया, हमारे तो छोटी सी इतनी कोई बेबी नहीं जिसके लिए ले है ना। ये वाले हम आपको चाहिए ईद पे हो चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैं अपने लिए देख रही हूँ खुशा, यहाँ पे ना लगी हुई है जूतियाँ, तो मैं इनका अपने लिए एक देख लूँ, तो देखती हूँ अपने लिए। इधर देखो मीर, हम लोग घर आ गए, मीर कह रहे बैठो बैठो, ये भी बैठ गई। आप बैठोगे? नहीं ये नहीं बैठेगा, हाँ लात में दर्द बैठ जाओ। क्या होता मैं को मारता बहन को? गंदा भैया है फिर तो। कीर्ति बोल दिया वो कह रहे बैठ। बच्चा अभी उठ चुका स्कूल जाने के लिए और सोफे पे आके ऐसे पड़ा है, हाथ थोड़ा मुश्किल से उठा है, तो खैर आके सो जाएगा। और वैसे भी कल है ना 2:30 बजे से सोया था 6 बजे तक, फिर भी इसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। खैर तो यहाँ पे है ना मैंने बेड है ना सेट कर लिया है, बेडशीट वगैरह, और उसके अलावा क्या कहते हैं हमजा पढ़ के आ चुका है कल है ना, थोड़ा सा एक 1.5 मिनट का ही व्लॉग बनाया था तो व्लॉग नहीं बनाया, फिर आज है ना देख रही हूँ बना रही हूँ, वही हमेशा की तरह के आधा है ना एक दिन आधा एक दिन बनाती हूँ तो मेरा कंप्लीट होता है व्लॉग। और है ना आज मुझे मौसम बहुत प्यारा लग रहा है, हालांकि है आज भी गर्मी, धूप अच्छी खासी तेज़ है, लेकिन ये देखें कैसे बादल प्यारे बने हुए हैं, तो मौसम मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है, ज़बरदस्त सा। ये देखे धूप है ना सीधा यहाँ मेरे बेड पे आती है, यहाँ तक आती है धूप है ना, जब ज़्यादा हो जाएगी, अभी तो फ़िलहाल कम है, साइड पे है थोड़ी, इधर होगी तो फिर है ना पूरी विंडो से मेरी धूप आती है रूम में। अच्छा ये कुछ है जो मैंने ना रात वहाँ से लिया था, हालांकि वहाँ पे सैंडल बहुत प्यारी प्यारी सी थी, अच्छी सी थी, क्या कहते हैं मुझे है ना काफ़ी टाइम से मेरा दिल था कि मैं खुशा है ना पहनूँ खुशा लूँ, तो इसीलिए मैंने ना ये खुशा लिया है। वह नवाँ पे से ना जूते बहुत प्यारे थे, 700-700 में, 750-800 में, तो बहुत ही अच्छे अच्छे से थे, मतलब किसी ने लेने हो तो भोरी बाज़ार से, मतलब बहुत प्यारे से ना मुझे तो वहाँ पे सैंडल वगैरह लगी, लेकिन मेरा क्योंकि काफ़ी टाइम से था कि मैं ना खुशा लूँ खुशा, इसीलिए ये वाला मैंने लिया। और है ना कलर भी मेरा दिल था कि रेड वाला लूँ, तो इसलिए रेड है ना खुशा लिया। अच्छा तो अभी है ना बात कर लेते हैं जो कल की मेरी वीडियो थी ना जिसमें मैंने मतलब बद्दुआ दी, तो है ना काफ़ी लोगों ने तो खुद पे है ना बात ले ली कि ये देखो ये हमें कह रही है हमारे लिए, तो नहीं भाई आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दी, और जिसके लिए थी मैंने सोच समझ के उसे बद्दुआ दी क्योंकि मुझे पता है किसने क्या किया है, तो ऐसे ही नहीं मैंने किसी को बद्दुआ एवं दे दी। रमज़ान का महीना है और इस हालत में तो किसी ने कुछ किया ऐसा तो मुझे पता होगा, कन्फर्म हूँ तो मैंने दी है ना। और बाकी अगर क्या कहते हैं किसी ने मतलब खुद ही मतलब वो रिएक्शन उठा के बना लिया कि इसने हमें दी है हमें दी है ये हमारे लिए था, तो नहीं भाई आपके लिए नहीं था। और क्या कहते हैं उसके अलावा बस जिसकी बस जो मर्ज़ी भाई बोले, मैं किसी को बोलने से नहीं रोक सकती, और जो मेरा दिल किया था कल जिसके लिए मैंने बोला
मैंने बोला और मैंने दिल से बोला जो भी बोला, और मुझे नहीं मतलब उस चीज़ का कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था या कुछ, क्योंकि ना एक बहन ही दूसरी बहन का दर्द समझ सकती है, और है ना जिस पे गुजरती है फिर वो है ना मतलब जिस चीज की बहन है ना वो ज़रूर समझे होंगे, क्योंकि ज़रा सा कुछ जो बहनों को तो बहनें तड़प उठती हैं। और है ना हमारे घर में तो और काफ़ी लोग था कि ये फिर कचरा आप लोग YouTube पे लाए क्यों थे ना भाई, हम नहीं लाए, और आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियोस के हम बिल्कुल है ना ये टॉपिक ये चीज़ें नहीं लाए थे। हाँ जवाब पे है ना ज़्यादा बातें इल्ज़ाम लगे तब उसने है ना जो जो मतलब बातें होती रही उनके जवाब दिए, तब तब बताया ये है ये नहीं है। और उसके अलावा है ना जब मतलब हम गलत होते हैं तब हम पे भी मतलब रिएक्शन बनते हैं, तो है ना जो सीधे सीधे होते हैं, अब जैसे अब होगी नौशीन आप ही होगी, मरियम आप ही होगी, जाजिब आप ही होगी, आमना आप ही हैं, तो ये मतलब जो बात होती है वो सीधी मतलब ऐसे कर दे। अब आपा ने मुझे चुप करवाया है, शहबाज भाई को चुप करवाया, अब्बू को बोला है कि अभी आप कुछ ना करें चुप रहें, बस हम सब चुप हैं, आप अभी नहीं वो करते, फिर भी मतलब इतना इंसान जी खुद को इंसान को शर्म आनी चाहिए कि हम इतना कर रहे हैं इतना कर रहे हैं, आगे वाले तो हमें कुछ नहीं कह रहे, तो एक हद होती है इंसान को खुद को मतलब शर्मिंदगी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर तो भाई जो खुद पे ले रहे हैं उनके लिए मेरी बद्दुआ बिल्कुल नहीं थी, और जिसके लिए थी वो समझ चुके हैं कि किसके लिए थी। जो रिएक्शन मतलब देने वाले कुछ मतलब साफ नहीं कहना, देखें टोंट मार गए हम पे, नहीं भाई आप लोगों का काम है रिएक्शन देना, किसी का किसी तरह कोई किसी तरह देता है वो उनका काम है, रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, जैसे हमारा काम है व्लॉगिंग करना। तो कभी कभार साफ जाहिर है जब इतना बात कुछ बढ़ जाती है तो हम भी कुछ बोल पड़ते, जैसा नहीं होता सब कहते उसकी तरह सितारा की तरह सब्र करो, तो भाई वो सितारा है उसमें बहुत सब्र है और हम में नहीं है, कभी कभी हमारा सब्र टूट जाता है तो हम बोल पड़ते हैं, तो इसीलिए। और ना ये बात ना क्या करें कि कोई नहीं बोला था तब है ना हम बोले थे, और उसके अलावा है ना बस अब है ना हमसे नहीं बर्दाश्त होता, ठीक है हम अपने लिए बोल पड़ते हैं कि जहाँ हमें लगता है कि गलत बार 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 बोला जा रहा है। और उसके अलावा क्या कहते हैं बस आज का ना यही वीडियो थी, ये कुछ बातें क्लियर करनी थी। और हाँ एक और बात भी थी कि ना बच्चों से व्लॉगिंग ना करवाएं, उनकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, तो भाई पूरा व्लॉग हमजा नहीं बनाता, हाँ कभी क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है तो मैं कहती हूँ आप है ना स्टार्ट करो व्लॉग आगे मैं बना लूँगी, तो वह सलाम वगैरह करता है, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ाई उसकी पूरी जारी है, वो पढ़ने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई का है ना कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि व्लॉगिंग की तरह मैं तो पढ़ाई छूट जाए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई नहीं बच्चे की छुड़वाई, और माशाल्लाह से देख ले मोहम्मद शिराजी जी व्लॉग्स जो है मैं तो उसे देख के माशाल्लाह कहती हूँ, हमजा को कहती हूँ कि देखो माशाल्लाह पढ़ाई के साथ साथ वो कितना अच्छा अपना नाम बना रहा है, कितनी अच्छी उसने अपने शहर की अपने मतलब जो उनका गांव है उसके ना एक नाम बनाया पहचान, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा फेवरेट है मैं तो उसे ज़रूर देखती हूँ और रमजा को भी दिखाती हूँ कि देखो कि इस तरह ना माशाल्लाह बच्चे को एक्टिव होना चाहिए, तो कितना अच्छा बोलता है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये देखिए दुआ आ गई, दुआ सलाम तो करो, नहीं अच्छे से अस्सलाम वालेकुम दुआ बोलो, अस्सलाम वालेकुम नहीं ये क्या मम्मा मम्मा ये आपका खिलौना है बाबा लाया था, ये खाओ अच्छा है, बाबा लाया है पापा, बाबा लेके आए रात, अच्छा ठीक है चलें जी। तो इसी के साथ है ना व्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखिएगा। और उसके अलावा देखिए अब मैं रूम में बैठी हूँ, मैंने वीडियो बनाई, किसी को नहीं पता कि मैंने क्या बोला है कैसी बनाई है, हाँ कमेंट्स आएंगे फिर पूछेंगे तुमने क्या बोला, जैसे कि कल आपा को गए तो कहते क्या बोला मैंने, कहा कुछ नहीं। खैर इंशाल्लाह मिलते कल नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।